असलम हवा यू बस कैसे आप लोग जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक तो फिर आप लोगों ने बुरज खलीफा की वीडियो को एंजॉय किया जी आप लोगों की खुशी की खातिर मुझे कॉपीराइट क्लेम तो आ गया लेकिन नो प्रॉब्लम कोई मसला नहीं लेकिन आप लोगों ने तो ओरिजिनल साउंड में वीडियो को एंजॉय किया होगा लाइक किया होगा शेयर भी किया और सब्सक्राइब भी किया है मुझे रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत अच्छा मिला है लेकिन चलें अब आप लोगों को ना ई मार और दुबई मार जो है ना उसकी सैर करवाते हैं जी हम मेट्रो ट्रेन में बैठ गए और मेट्रो ट्रेन से हम लोग जाएंगे दुबई माल और ई की हम लोग सैर करेंगे वहाँ की विज़िट करेंगे और वहाँ देखेंगे कि दुबई माल में क्या क्या है ई में क्या क्या है तो बहुत ही खूबसूरत ये मॉल है कि आप देखेंगे इंजॉय करेंगे अगर कोई यानी कि आ सकता है दुबई मॉल तो वो ज़रूर जाए एक दफ़ा ज़रूर दुबई का विज़िट करें दुबई को देखें इंजॉय करें वहाँ की चीज़ों को वहाँ के प्लेस को बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह जी ये देखें जी हम आगे ई मार और इसकी लोकेशन इसकी आप डेकोरेशन देखिएगा मैं सारे मॉल की तो वीडियो नहीं बना सकी लेकिन मैंने सारा मॉल घूम के दिखा था जो जो मुझे अच्छा लगा था मैंने वो वो चीज़ें जो अट्रैक्टिव चीज़ें थी ना वो ज़्यादा मैंने पिक की थी जी ये टैडी बियर आ गए जहाँ बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे मेरी भी वीडियो है मेरे बेटे की भी वीडियो है अगर मुझे अलाव होता तो मेरी वीडियो भी मैं इसमें ऐड कर देती बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया मैंने अपने बेटे की भी वीडियो बनाई उसके बाद मुझे ये शॉप ने काफ़ी ट्रैक ट्रैक किया था कि माशाल्लाह यहाँ इतने खूबसूरत ये टॉय देख रहे हैं आप कितने छोटे छोटे टॉयज हैं बहुत ही प्यारे और परफ्यूम्स बहुत अच्छे थे ज्वेलरी भी थी कुछ दूसरी साइड पर ज्वेलरी भी हैं लेकिन ये छोटे छोटे टॉयज जो है ना उनका तो कमाल अमेजिंग बनाने वालों ने भी ना क्या बनाया इनके इतने खूबसूरत मुझे ये लगे इतने टॉयज के मैं आपको बता नहीं सकती बहुत ही प्यारे टॉयज हैं ये देखिए आप चेक करें कितने तो खूबसूरत ये टॉयज़ हैं ये ई मार मॉल है ई मार का जो अच्छा ई मार में ये जो चीज़ें ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी जैसे स्विट्ज़रलैंड है हमारा पाकिस्तान में मरी है सवात वगैरह है तो बिल्कुल इसी तरह उन्होंने ना ये स्नो का एक पार्क बच्चों का बनाया हुआ और ये पता नहीं कितने फिट जो ऊंची उनकी जो मॉल की सबसे छत जो थी ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी देखें किस कदर उन्होंने प्यारी बनाई हुई है जो मैंने कैच की और अपने कैमरे में लाने की कोशिश की आप लोगों को दिखाने के लिए तो माल बहुत ही खूबसूरत था इतना यानी कि बहुत ही अच्छा था ई मार के बाद हम लोग ये जो आप देख रहे हैं ये बुर्ज खलीफा ये ई मार से बाहर जब आप लोग आते हैं ना तो ये आपको लग रहा है जैसे बिल्कुल नज़दीक है लेकिन ये नज़दीक नहीं है तकरीबन आधे घंटे की वाक पे अगर हम जाएं वाक करते हुए जाएं तो आधे घंटे में पहुँचेंगे और अगर हम मेट्रो ट्रेन से जाएँगे तो हम पंद्रह मिनट में नहीं ये बुर्ज खलीफा हम लोग पहुँच जाएँगे लेकिन ई मार से ये ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ही हम लोगों के करीब है जी ये आ गए हम दुबई मॉल में दुबई मॉल में ये देखिए ये वाइट कलर के अबाया इस कदर खूबसूरत है बहुत ही प्यारी इसमें सारे वाइट कलर के ये अबाया लगे हुए थे जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव यानी कि उन्होंने किया बहुत अच्छे लगे और ये एक्साइटमेंट था शेखों का यानी कि सारे अरबी शेख जो थे ना ये इनका एक्साइटमेंट था जहाँ ये सिर्फ शेख बैठा करते हैं जाके यानि कि फास्ट फूड खाते हैं चाय पीते हैं दुबई की जो भी है वो यहाँ ये बैठते थे उसके बाद ये भी एक फ़ास्ट फूड की शॉप थी जहाँ पे ये जो लाइट ब्लून लाइट्स थी ना बलून की तरह उन्होंने बनाई थी ये भी मुझे काफ़ी इस शॉप ने भी अट्रैक्ट किया इम्प्रेस किया तो मैंने इसकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा और दुआओं में भी याद रखिएगा कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं आप लोगों को दिखा सकूं गिफ्ट उसे मिला था तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत ये मैजिक बॉल है कभी अंदर जी और दुबई माल का ये जो सेगमेंट है ये बहुत प्यारा था ये लाइटिंग जो आप देख रहे हैं ये लाइटिंग नहीं है ये इन्होंने ना एक फ़िश स्टाइल में फ़िश को बनाया हुआ है लाइटों से ना इस कदर खूबसूरत यानी कि ये सैगमेंट जो उन्होंने बनाया हुआ मॉल के सेकेंड फ्लोर में यानी कि सबकीदादा जो है ना बहुत ही इनके एक जैसे ऐसे लगता था जैसे सपनों की दुनिया में हम लोग आए हुए हैं इस माल में ऐसे लगता था जैसे कोई ख्वाब देख रहे हैं इस कदर खूबसूरती और बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें और क्या ही बताऊँ मैं आपको क्या मैं बयान नहीं कर सकती अगर कोई बंदा जा सकता है तो ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें ये देख रहे हैं ना फिश स्टाइल में ये लाइटों का इतना प्यारा उन्होंने ये सेटमेंट बनाया हुआ था बहुत अच्छा और उसके बाद ये जो था ना बटरफ्लाई बनी हुई है ये बटरफ्लाई की इतनी खूबसूरत ये पूरी फ्लोर उन्होंने जो है ना बटरफ्लाई से यानी कि काफ़ी लंबी हैं ये लेकिन जो पीपुल्स हैं पीपल से ऊपर हैं हमारे से अच्छा से ये इनके हमारे सरों से ऊपर थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये भी फ्लावर जो है ना बहुत खूबसूरत था उन्होंने बटरफ्लाई वाइट कलर की बटरफ्लाई बनाई हुई हैं तो जो ये ना उड़ती हुई नज़र आती हैं बहुत ही खूबसूरत है ये बटरफ्लाई उन्होंने ये सेगमेंट भी बहुत अच्छा दुबई माल में बना हुआ था हर चीज़ इतनी प्यारी बनी हुई थी बहुत ही खूबसूरत और उसके बाद ये आ जाए आप पे स्पाइडर मैन उन्होंने बनाई हुई थी ये देखें बिल्कुल स्पाइडर की तरह उन्होंने ये एक चीज़ बनाई हुई है इसके अंदर आप शॉक इसके बैक जो है ना वो परफ्यूम की शॉप्स हैं लेकिन उन्होंने अपने भाई जो है ना ये स्पाइडर मैन जो है ना ये बनाई हुई है बिल्कुल ये देखिए किस तरह उसके पाँव स्पाइडर के जैसे होते हैं वैसे उन्होंने बनाए तो यानी कि दुनिया देख रही थी वीडियो बना रही थी कैच कर रही थी हर मोमेंट को हर एक अच्छी अच्छी चीज़ों को लोग जा रहे हैं विज़िट करते हैं इंजॉय करते हैं बाजार बहुत खूबसूरत है दुबई माल माशाला से और बुर्ज खलीफा की तो क्या ही बात है वो तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और एक ये सेगमेंट था जहाँ उन्होंने ये बिल्कुल शिप का बनाया हुआ है फ़िश जो है ना पानी है तो बिल्कुल ये जो फ़िश वग़ैरह ना औरिजिनल ये फ़िश जा रही हैं छोटी बड़ी सी ये भी बहुत है एरिया बहुत ही प्यारा था यानी कि मेरी तो अक्ल हैरान रह रही थी कि ये कैसे सब कुछ एक मॉल में और उसके बाद ये शॉप तो इस कदर प्यारी थी लॉली पॉप की कैंडीज की ये देखिए किस कदर बड़ी बड़ी कैंडीज बनाई हुई हैं और लॉली पॉप्स बनाए हुए हैं बच्चों की ये शॉप इस कदर खूबसूरत थी कि मैंने अपनी बेटी के लॉली पॉप्स भी यहाँ से खरीदे ये देख रहे सामने कितने प्यारे लॉली पॉप हैं अमेजिंग ये भी जो शॉप थी ना ये भी बच्चों के कलर्स उनकी कैंडीज़ हर चीज़ इस शॉप पे अवेबल थी यानी कि एक अपने आपके छोटे बच्चों के लिए ना जो ना हर चीज़ अवेलेबल थी यहाँ कैंडी थी पेंसिल्स थी चॉकलेट्स थी और ये जो उन्होंने ट्री बनाया हुआ है लॉली पॉप्स का कैंडीज का जैसे फिल्मों में नहीं देखते ख्वाबों में देखते ना जैसे काफ़ी मूवीज इस तरह में बने होते लेकिन रियल में देख के तो रियलिटी तो कुछ और ही बात है न रियलिटी तो मैं तो बहुत अच्छा था उसके बाद जी हम लोग बुर्ज खलीफा आ गए पंद्रह अगस्त को चौदह को गई थी लेकिन चौदह को मैं थक गई थी इसलिए मैं उस दिन नहीं कैच कर सके तो फिर पंद्रह अगस्त को इंडिपेंडेंस डे था इंडियन इंडिपेंडेंस डे था तो माशाल्लाह काफ़ी इंडियन आए हुए थे गुजराती यंग के बहुत काफ़ी इंडियन इतने इंडियंस आए हुए थे अपने इस इंडिपेंडेंस डे पर बुर्ज खलीफा पे बहुत ही खूबसूरत जो आप मेरी पहली वीडियो में देख चुके हैं बुश खलीफा को तो ये भी थोड़ा सा मैंने बीच में ऐड किया है कि आप लोग इन्जॉय करें और अच्छे मूवमेंट को तो जितना देखें उतना ही कम है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है एक अच्छे मूवमेंट्स को बार बार देखना तो काफ़ी खुशी महसूस होती है तो मेरे साथ आप भी लोग भी देखें और इंजॉय करें जी ये इवन होटल हम जिसमें रुके थे ना उसके फर्स्ट फ्लोर पे सबसे ऊपर टॉप पे स्विमिंग पूल बना हुआ था जहाँ बच्चे बस दिन भर नहाते ही रहे हैं यही कहते रहे आ जाओ खा लो पी लो लेकिन बच्चों को स्विमिंग पूल मिला जी चलिए मुझे दी इजाज़त फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक इजाज़त दी अल्लाह हाफिज़